हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सीमा कुशवाहा फ्रॉम फिजिक्स डिपार्टमेंट। आज हम पढ़ेंगे जो हम बीएससी फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर में आज प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले क्लास में हम स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा हुआ था, तो अब हम आज पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टरों का गुणन। द प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स कैन बी ए स्केलर और ए वैक्टर। दो वैक्टरों के गुणन से, जो दो वैक्टर है उसके मल्टीप्लाइकेशन से या प्रोडक्ट से जो हमको प्राप्त क्वांटिटी है वो स्केलर भी हो सकती है और वैक्टर भी हो सकती है। देयर फॉर टू वैक्टर्स आर मल्टीप्लाई इन टू वे। और एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर से प्रोडक्ट को हम दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। फर्स्ट है डॉट और स्केलर प्रोडक्ट, सेकंड है क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं डॉट और स्केलर प्रोडक्ट। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज एक्सप्रेस्ड एज ए वेक्टर बी वेक्टर। दो वेक्टर ए और बी का जो स्केलर प्रोडक्ट है वो होता है ए वेक्टर इनटू बी वेक्टर। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड द कोसाइन्स ऑफ द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। दो वेक्टरों के स्केलर प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी होती है। जो दो वेक्टर है उसका स्केलर प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड जो है दोनों वेक्टरों के मैग्नीट्यूड और उनके बीच की कोण की कोसाइन, उसी को बोलेंगे कोजिया, के मल्टीप्लिकेशन मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड एज OA vector and OB vector and the angle between them is then is theta। यहाँ पे डायग्राम है, उसमें OA vector और OB vector को vector A vector और B vector द्वारा represent किए गए हैं, जिनके बीच का angle है वो है theta। यहाँ पे डायग्राम है जिसपे OA वेक्टर को A वेक्टर और OB वेक्टर को B वेक्टर से प्रदर्शित किया गया और इनके जो बीच के एंगल है वो है थीटा। यहाँ पे हो जाएगा A वेक्टर इंटू B वेक्टर इक्वल टू मॉड A मॉड B कॉस A वेक्टर इंटू B वेक्टर। तो इसे हम लिख सकते हैं मॉड A मॉड B कॉस थीटा इक्वेशन वन। बट फ्रॉम फिगर वन मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। स्पष्ट है कि डायग्राम से जो स्पष्ट है कि ए वेक्टर की दिशा में जो बी वेक्टर का प्रोजेक्शन है प्रक्षेप है वो OC इक्वल टू मॉड बी कॉस थीटा। ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इक्वल टू होता है मॉड ए प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इक्वल टू मॉड ए, तो इसे हम बोलेंगे मॉड ए मॉड बी वेक्टर का मॉड ए पर प्रोजेक्शन प्रक्षेप। इसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर टू। Thus, the scalar product of two vector is equal to the product of magnitude of one vector and magnitude of projection of other vector on it। अर्थात बोल सकते हैं कि दो वैक्टरों का जो स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर गुणनफल है, वो एक वैक्टर के मैग्नीट्यूड, एक वैक्टर के परिमाण तथा उस पर दूसरे वैक्टर के प्रोजेक्शन प्रक्षेप के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लाइकेशन के इक्वल होता है। फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी रिमेम्बर्ड
इन रिलेशन टू द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। तो स्केलर दो वेक्टरों के स्केलर प्रोडक्ट के संबंध में जो निम्न बातें उसको हम रिमेम्बर करते हैं। फर्स्ट है स्केलर प्रोडक्ट ऑबे द कम्युनिकेटिव लॉ, कम्युलेटिव लॉ, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए वेक्टर विथ वेक्टर बी वेक्टर इज एक्जैक्टली इक्वल टू द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बी वेक्टर विथ वेक्टर ए वेक्टर। जो स्केलर प्रोडक्ट है वो क्रम विनिमय नियम कम्युलेटिव लॉ का पालन करता है। द स्केलर प्रोडक्ट अर्थात वेक्टर ए वेक्टर का वेक्टर बी वेक्टर से स्केलर प्रोडक्ट वही होता है जो वेक्टर बी वेक्टर का वेक्टर ए वेक्टर से होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर। इसे हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। स्केलर प्रोडक्ट ऑबे द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दैट इज स्केलर गुणनफल वितरण के नियम का पालन करता है। तो ये हो जाएगा ए वेक्टर इंटू ब्रैकेट पे बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इंटू सी वेक्टर। ये होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वितरण नियम, इसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 3। इफ फैक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर ऑर्थोगोनल थीटा इक्वल टू 90 डिग्री एंड कॉस 90 डिग्री इक्वल टू 0। यदि दो वेक्टर है ई वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे पर लंबवत है ऑर्थोगोनल है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा और कॉस 90 इक्वल टू 0। सिमिलरली इसलिए ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इक्वल टू 0, तो आई कैप इंटू जे कैप इक्वल टू 0, जे कैप इंटू के कैप इक्वल टू 0, तो होगा के कैप इंटू आई कैप इक्वल टू 0। इसे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ है इफ वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल थीटा इक्वल टू 0 डिग्री एंड कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1। ये टू वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल है तो कॉस 0 इक्वल टू होता है 1 और थीटा इक्वल टू 0। तो ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इक्वल टू होगा मॉड ए मॉड बी, इसे हम लिख सकते हैं ए बी। ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर मॉड ए मॉड ए कॉस 0, तो इसकी वैल्यू जाएगी 1, तो मॉड ए मॉड ए इक्वल टू होगा ए स्क्वायर। दैट इज स्क्वायर ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी इज ए स्केलर। सिमिलरली आई कैप इंटू आई कैप इक्वल टू 1, जे कैप इंटू जे कैप इक्वल टू 1, के कैप इंटू के कैप इक्वल टू 1। अर्थात जो वेक्टर क्वांटिटी है उसका वर्ग, वेक्टर क्वांटिटी है इसका वर्ग स्केलर होता है। तो यहाँ पे होगा सिमिलरली आई कैप इंटू आई कैप इक्वल टू 1, जे कैप इंटू जे कैप इक्वल टू 1 और के कैप इंटू के कैप इक्वल टू 1। यह हो जाएगा इक्वेशन नंबर 5। लास्ट पॉइंट है इफ ए वेक्टर इक्वल टू आई ए एक्स प्लस जे ए वाई प्लस के ए जेड, बी वेक्टर इक्वल टू आई बी एक्स जे बी वाई प्लस के बी जेड। तो ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इक्वल टू होगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। इसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 6। तो ये था स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। हम स्केलर गुणनफल का भौतिक उदाहरण फिजिकल एग्जांपल ऑफ डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ते हैं। वर्क डन बाय ए फोर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इफ द डिस्प्लेसमेंट एज वेक्टर इज इन डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा विद द फोर्स एफ वेक्टर देन वर्क डन होगा W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा इक्वल टू एफ वेक्टर इंटू एस वेक्टर। बल द्वारा किया गया कार्य है वो बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के घटक के गुणनफल के बराबर होता है। जो फोर्स द्वारा किया गया वर्क है
फोर्स तथा फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। यदि डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन से एंगल थीटा बनाता है तो फोर्स द्वारा किया गया वर्क होगा W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा इक्वल टू कॉस एफ वेक्टर इंटू एस वेक्टर। पावर इक्वल टू हो जाएगा P इक्वल टू एफ वेक्टर इंटू वी वेक्टर। सेकेंड है पावर P इक्वल टू एफ वेक्टर इंटू वी वेक्टर। अब हम पढ़ेंगे क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर या क्रॉस गुणन, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज एक्सप्रेस्ड एज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। टू वेक्टर है ए वेक्टर और बी वेक्टर का वेक्टर गुणन होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसे लिखकर व्यक्त किया जाता है इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। यह एक वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड है वो दोनों वेक्टरों की मैग्नीट्यूड तथा एंड उनके बीच के एंगल की जा की प्रोडक्ट के इक्वल होता है एंड द साइन ऑफ द एंगल बाई विच बी वेक्टर इज इंक्लाइंड ऑन ए वेक्टर। द डायरेक्शन इज नॉर्मल टू द प्लेन कॉन्टेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर तथा उनका जो डायरेक्शन है उस सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। इट इज गिवन बाय द राइट हैंड स्क्रू रूल अकॉर्डिंग टू विच द पॉजिटिव डायरेक्शन इज इन विच ए राइट हैंड स्क्रू इट प्रोटेक्ट फ्रॉम द फर्स्ट वेक्टर टू द सेकेंड वेक्टर थ्रू द स्मॉलर एंगल बिटवीन देम। जो दिशा का ज्ञान दक्षिणावर्ती स्क्रू नियम राइट हैंड स्क्रू रूल द्वारा किया जा सकता है जिसके अनुसार यदि दाया हाथ राइट हैंड में पिंच लेकर पिंच को पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की ओर चलाया जाए तो जो पिंच है वो परिणामी वेक्टर की दिशा में बढ़ेगा। अर्थात ए वेक्टर और बी वेक्टरों का वेक्टर गुणनफल एक वेक्टर बी वेक्टर होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू वी वेक्टर वेयर, जहाँ वी वेक्टर इक्वल टू होगा मॉड ए मॉड बी साइन ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर ब्रैकेट क्लोज एंड कैप। तो ये हो जाएगा मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मॉड एंड कैप। इसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 7। हियर मॉड ए क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मॉड बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी वेक्टर एंड एंड के इज द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन कॉन्टेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। फॉलोइंग पॉइंट शुड बी रिमेम्बर इन रिलेशन टू द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। फर्स्ट है वेक्टर प्रोडक्ट डज नॉट बी द कम्यूटेटिव लॉ। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए वेक्टर विथ वेक्टर बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बी वेक्टर विथ वेक्टर। वेक्टर गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता, कम्यूटेटिव लॉ का लोगों को फॉलो नहीं करता। यदि वेक्टर ए वेक्टर का वेक्टर बी वेक्टर से वेक्टर प्रोडक्ट वेक्टर बी वेक्टर का वेक्टर ए वेक्टर से वेक्टर प्रोडक्ट के बराबर इक्वल नहीं होता है तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू होगा मॉड ए मॉड बी साइन ए वेक्टर इनटू बी वेक्टर एन के। सिंस साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा दस
ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी वेक्टर इनटू सॉरी क्रॉस ए वेक्टर, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 8। वेक्टर प्रोडक्ट अभी द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जो वेक्टर गुणनफल है वो वितरण के नियम का पालन करता है, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर 9। यदि वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल है तो होगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 0। इस प्रकार दो समान दो इक्वल वेक्टर का क्रॉस गुणनफल है वो 0 होता है, तो यहाँ पर दो वेक्टर लेंगे, दो वेक्टर का क्रॉस वेक्टर है वो 0 होता है, तो यहाँ पर आई आई कैप इक्वल टू 0 हो जाएगा, जे कैप इक्वल टू 0, के कैप इक्वल टू 0, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 10। तो ये थे वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट की एग्जांपल।